तो गाइस सोशल मीडिया से पैसे कमाने की स्ट्रेटजी टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया जो गाइस मैंने भी यूज की है और मेरे जैसे बहुत सारे मार्केटर्स भी यूज करते हैं इस स्ट्रेटजी को सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए। और बिलीव मी अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे और अप्लाई करोगे ऑप्टिमाइज करोगे और सही तरीके से इस स्ट्रेटजी को पॉइंट टू पॉइंट नोट करोगे तो आप भी काफी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से पैसा कमाने के वेज बहुत सारे हैं बट स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए कैसे स्टार्ट किया जाए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं $5 to $1,000 पर मंथ फ्रॉम सोशल मीडिया विद स्ट्रेटजी। सो लेट्स गो ऑन माय बोट। सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट। फाइंड करने का मतलब क्या, करने का मतलब ये कि पिंटरेस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ब्लॉग की क्या क्या वो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने कंटेंट और अपने आप को प्रेजेंट रखना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म को आपको सबसे पहले फाइंड करना है। लाइक अगर आपने फाइंड किया है इंस्टाग्राम आईजी, ओके फर्स्ट आपको आईजी पर अपना अकाउंट बनाना है एंड आपका जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट लाइक आप स्टूडेंट हो टीचर हो हाउसवाइफ हो या आप एक एम्प्लॉय हो किसी ऑफिस में या तो आप जो भी हो उससे रिलेटेड आप कुछ लोगों को बताना चाहते हो लाइक डॉक्टर और टीचर, तो आप क्या करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो अपने टीचिंग के बारे में। आप मान लो इंग्लिश सिखाते हो तो आप इंग्लिश सिखाने का कंटेंट आपको आईजीटीवी पे शेयर करना स्टार्ट करना है। और अब इससे रिलेट करके आप कुछ भी करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर में जो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को शेयर करना चाहते हो लाइक एक्सरसाइज करो तो क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, बुखार आए तो क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, कहीं चोट लग जाए तो आपको क्या लगाना है, इस तरह की चीज लोगों को आप बताना स्टार्ट करते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। ओके देन आप कॉन्टेंट शेयर स्टार्ट करते हो, अब क्या होगा लोग आएंगे आपके पास लाइक आप उनको बोल सकते हो फॉलोअर्स, ठीक है यूअर फॉलोअर्स। तो अब क्या होता है गाइस देखना, जब आपके पास लोग आना स्टार्ट करते हैं बहुत लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं बट ये लोग क्या करते हैं आपको फॉलो तो कर देते हैं बट आपको जान नहीं पाते, मतलब वो लोग आपके अकाउंट पे एक्टिव नहीं रहते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आप लोगों को एक्टिव करोगे, इट्स मीन कि उनको इंगेज करोगे या इंगेज, ठीक है। तो ये पहले चार चीज आपको करनी है। नेक्स्ट इंगेज करने के बाद मोर कंटेंट, मोर कंटेंट, क्योंकि अब क्या आपको लोग जानने लगे हैं तो आपका जो नेक्स्ट चीज होगा वो होगा मोर कंटेंट और उसके बाद क्या होगा मोर पर्सनल इंगेजमेंट, ठीक है एम ई मोर पर्सनल इंगेजमेंट एम ई, ठीक है। और उसके बाद होगा ट्रस्ट बिल्डिंग पे काम, ट्रस्ट, और उसके बाद होगा सेल और आप कह सकते हो मनी। तो गाइज आपको ऐसे स्ट्रेटजी पूरी बनानी है, सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना है देन उसके बाद जो भी आपका प्रोफेशन है या आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको कंटेंट डालना स्टार्ट करना है देन उसके बाद आपके फॉलोअर्स आएंगे एंड उनको एक्टिव एंड एंगेज करना है। फिर उसके बाद जब आपको जानने लगेंगे तो उसके बाद आपको और भी कंटेंट शेयर करना है, फिर उसके बाद उनके साथ पर्सनल मोर एंगेजमेंट बनाना है, ये पॉइंट है। इसके लिए आप ग्रुप्स या अपने मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं, देन बिल्ड होगा ट्रस्ट एंड देन आएगी मनी। तो इसी चीज को आप सोशल मीडिया फनल भी बोल सकते हैं।
तो ये है पूरा सोशल मीडिया फनल एंड स्ट्रेटजी। अब मैंने आपको पॉइंट्स तो बता दिया, बट आप कैसे करोगे मैं वो बताने के लिए आपको कुछ और भी चीजें बता दूं, कुछ और पॉइंट्स बता दूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आपने जो अपना अकाउंट यहाँ पर सेटअप किया है सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे अकाउंट चेक कर सकते हो, चाहे फेसबुक पे हो चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, दोनों पे ही जाके आप मेरे अकाउंट चेक कर सकते हो। टोटली प्रोफेशनल रखा हूं मैं, ऐसे ही आपको भी अपने अकाउंट्स को रखना है। और आप मुझे वहां पर चैट भी कर सकते हो, ठीक है, वहां आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, जो आपके पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट जरूर करो। देन उसके बाद कॉन्टेंट, कॉन्टेंट में आपको एक प्रोफेशनल कंटेंट मेकर बनना है। अगर आप कंटेंट बना सकते हो तो खुद बनाओ, या तो किसी को हायर कर लो जो आपके लिए कंटेंट बनाए। देखो आजकल 5, 10, 15, 20 डॉलर में आपको अच्छे खासे काम करने वाले मिल जाते हैं फ्रीलांसर वेबसाइट पे, तो आप उनसे कंटेंट बना सकते हो। थर्ड, फॉलोअर जब गेन होंगे, बहुत ज्यादा जब गेन होने लगेंगे, तो उनके लिए भी आप वर्चुअल असिस्टेंट रख सकते हो। एक्टिव, एक्टिव करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा पोस्ट डालने पड़ते हैं, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, कॉल टू एक्शंस देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आपको थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। देन उसके बाद मोर कॉन्टेंट, इट्स मीन कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ज्यादा कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद आता है पर्सनल टच, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपना कोई ग्रुप बनाओ, या तो आप लोगों को अपने मैसेज से लोगों की हेल्प करो, या उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो ताकि वो आपसे अटैच हो सके। और उसके बाद बिल्ड होता है ट्रस्ट, एंड देन होता है सेल। तो ये जो फनल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और बिलीव मी, आप कहीं पर भी हो, घर में हो या हाउसवाइफ हो, टीचर हो या कहीं के एम्प्लॉय हो, या आप एक स्टूडेंट हो, आप सभी इस फनल को यूज करके अपने ही प्रोफेशन में काफी अच्छा खासा पैसा गेन कर सकते हो। अब हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, जैसे वो टीचर है तो वो मनी और सेल में क्या करेंगे, तो आप अपनी ट्विटर सर्विस यहाँ सेल कर सकते हो, लोगों को कुछ सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, ये मेरी क्लास है, ये मेरी ऑनलाइन ग्रुप बना लो और उसमें लोगों से पैसा लो और लोगों को एंट्री कराओ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछो तो वो टीचर रिप्लाई करेगा। आप कोई इम्प्लॉय हो, मान लो LIC में हो, तो लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए ग्रुप बना सकते हो कि आप महीने का 50 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये दो, ठीक है। देखो अगर एक सोचो कि अगर मैं 100 रुपये एक बंदे से कमा रहा हूँ, मान लो आपके पास 1000 बंदे हो गए ग्रुप में, तो आप हर बंदे से 100 रुपये कमा रहे हो, तो आपने कितना कमाया, 1000 रुपये आपने कमा लिए सिर्फ एक ग्रुप से, ठीक है। तो आप एक चीज पे मत सोचो, आप 1000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है स्किल पर कि आपकी स्किल कितनी है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो है जो काफी अच्छा पढ़ते लिखते हैं, वो चाहे तो अपने जो नीचे के स्टूडेंट हैं उनको सर्विस दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनको अपने जो उनके नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड उसको भी सब्सक्राइब एंड मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप सेल कर सकते हो एंड सर्विस दे सकते हो, पर आपको ये फनल पे काम करना होगा, बिकॉज यही वो फनल है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर सकते हो एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इजी कर सकते हो। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, छोटा सा स्ट्रेटजी बट बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। बिलीव मी, कोई भी आज सोशल मीडिया पे अर्न कर रहा है तो यही स्ट्रेटजी को लगा के अर्न कर रहा है। तो प्लीज आपको भी ये चीज यूज करना चाहिए, एंड लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि वो सोशल मीडिया पे सिर्फ टाइम पास नहीं काफी अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर पे ड्रॉप हो सके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।